आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के बाद अब सरकार किसानों को सूखे से राहत दिलाने की कोशिश कर रही है। हेमंत सरकार के 3 साल पूरा होने पर 29 दिसंबर को राज्य के 30 लाख किसानों के खाते में रकम डाली जाएगी। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तौर पर 3,500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य भर के किसानों से 30 नवम्बर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राज्य सरकार ने सूबे के 22 जिलों के 226 प्रखंडों के सभी किसानों से आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में राज्य सरकार ने सूखे के हालत को देखते हुए करीब 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सुखाड़ से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार राहत के तौर पर किसानों को ये 3,500 रुपये की राहत राशि की मदद करेगी। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद अब राज्य सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और कुल मिलाकर ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर इस पर बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस कार्य के लिए कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग को निर्देशित किया है कि इसमें पहल करें और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब की मौजूदगी में निर्णय लिया उसको लेकर धरातल पर कैसे यह योजना सभी प्रभावित लाभुक के बीच पहुँचे उसको लेकर सारी कवायद की जिम्मेदारी हमारे विभाग के ऊपर आ गई। लगभग 30 से 35 लाख किसानों को ये लाभ मिलेगा, ऐसी हम लोग गणना कर रहे हैं, और 3500 की अग्रिम राशि इन सारे किसानों को दी जाएगी। तो सारे किसानों से आग्रह है कि वो प्रज्ञा केंद्र में जाकर, सीएससी में जाकर केवल 1 रुपये में अपना टोकन कटाएं, अपने आप को पंजीकरण कराएं और साथ में 3500 की अग्रिम राशि जो सरकार उन्हें उपलब्ध करा रही है उसका लाभ उठाएं। देखिए, सिर्फ किसानों की बात नहीं है, इस राज्य के जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, यानी यूं कहें कि इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा सरकार से है उस अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार आपने देखा होगा कि कई एक ऐसे कार्यक्रम इस सरकार के द्वारा किए गए जिसका सीधा लाभ इस राज्य के लोगों को मिला। मुख्यमंत्री जी बोलते कुछ और करते कुछ हैं, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर सचमुच जो बोलते हैं करके दिखला देते हैं तो शायद झारखंड राज्य का भला होता, कल्याण होता, लेकिन ये लोग सिर्फ बड़े बड़े बातों में, बड़े बड़े बयानों में तक ही सिमटे रहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि किसान आज बहुत दुखित है, पीड़ित है। किसान की बात करते हैं, अभी खेती बाड़ी का समय, सब्जी लगाने का। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।